कोरोना से तो जैसे तैसे किसान संभल पाए कि अब टिड्डी दल ने किसानों की नींद उड़ा दी है। किसानों को डर है कि अगर ये टिड्डी दल बैठ गया तो पूरी फसल चट कर जाएगा। टिड्डी दल को भगाने के लिए किसानों ने प्रशासन से मदद मांगी है। सिंगरौली जिले के कई जिलों में दो दिनों से टिड्डियों का दल बरगवा, देवसर, नवानगर सहित सराई क्षेत्र में पहुंच चुका है। सराई तहसील अंतर्गत ग्राम साजापानी में टिड्डियों का दल देखकर स्थानीय व्यक्तियों ने स्थानीय सराई प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन को सूचना मिलते ही सराई क्षेत्र में प्रशासनिक अमले के साथ SDM विकास सिंह, प्रभारी तहसीलदार संपदा सर्राफ व उनकी टीम पहुंची। विभिन्न तरीकों से टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय किसानों ने बताया है कि गर्मी के सीजन में हम लोग सब्जियां लगाते हैं जिससे टिड्डियों द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि सराई क्षेत्र में SDM विकास सिंह व उनके प्रशासनिक अमले द्वारा सारण बजाकर और वाद्य यंत्र डफले द्वारा आवाजें कर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया गया है। इसके पहले भी चितरंगी क्षेत्र में टिड्डियों ने आक्रमण किया था। वहां भी प्रशासनिक अमले द्वारा विभिन्न तरीके से टिड्डियों को जिले की सीमा से बाहर भगाया गया था। फिर से जिले में टिड्डियों का आगमन हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन कह रहा है कि हम लोग हर तरीके से इनको अपने जिले की सीमा से बाहर भगाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।